कांग्रेस में चल रहा गतिरोध तो थमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन धामी सरकार के मंत्री कांग्रेस पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। कई कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देकर कांग्रेस के साथ हरदा को अपने निशाने पर लिया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं बीजेपी नेताओं की जुबानी कि वो आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। अब हम क्या करें जब कांग्रेस ही उनको नहीं पचा पा रही, तो हमारा क्या दोष है? वो अपने कांग्रेसियों से कहें भाई मुझे स्वीकार करो, तुम मैं नेता हूं तुम्हारा। अब वो मान नहीं रहे, वो जबरदस्ती कह रहे हैं मैं नेता हूं, अब डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। राजनीति में कोई भी आराम नहीं कर सकता है। आदमी कहेगा मैं छोड़ दूंगा करके, तो छोड़ने के कल कह देगा आपने एक दिन दो दिन ही, लेकिन दूसरे दिन से भी रहा है। वो अपना दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि अपने को दबाव छोड़ के, रानी छोड़ के तो संन्यास थोड़ी लगा। हरीश राव जी कभी नहीं कहेंगे संन्यास। हाँ ये कह सकते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कर सकते हैं, लेकिन अंदर में फिर अपने दूसरे लोगों से भी तो कहेंगे मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, फिर क्या होगा? तो इसलिए संन्यास लेने का उनका कोई ऐसा है नहीं, वो राजनीति करेंगे अभी भी। देखिए रावत जी की राजनीति हमेशा बिल्लियों वाली रही, जैसे बिल्ली का स्वभाव होता है कि घर में कोई रहने रहे पूरे घर में मेरा कब्जा हो जाए, तो रावत जी उसी बिल्ली प्रजाति के।